आप भी कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से तो आपको शो होता है दिस ऐप इज नॉट कंपेटिबल विद योर डिवाइस एनी मोर, कॉन्टैक्ट द डेवलपर्स फॉर मोर इन्फो। दोस्तों अगर आपको इस तरह का एरर शो होता है आपकी एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से हम इस तरह के एरर को फिक्स कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर होता ये है अगर आपकी डिवाइस कंपेटेबल नहीं रहती तो कोई भी ऐप है अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस तरह का एरर शो हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं वन प्लस मैसेजेस ये एक ऐप है, तो जब इसे कोई भी यहाँ पे डाउनलोड करने जाता है तो यहाँ पे होता क्या है, शो होता है दिस ऐप इज नॉट कंपेटेबल विद योर डिवाइस एनी मोर, कॉन्टैक्ट द डेवलपर्स फॉर मोर इन्फो। तो दोस्तों सिर्फ ये वन प्लस मैसेजेस की प्रॉब्लम आज हम फिक्स नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि तमाम ऐप्स की प्रॉब्लम हम फिक्स करने जा रहे हैं जिस पर भी ये आपको एरर शो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम कॉमन मेथड्स अब बताएंगे आपको कि आप कैसे इसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलती रहें। सबसे पहले काम क्या करना है आपने दोस्तों, यहां से बैक हो जाना है। तो जैसे जी बैक होंगे यहां से, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आपने डेवलपर मोड को ऑन किया हुआ है अपने लिए तो दोस्तों उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। उनसे कांटेक्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं अगर किसी एक खास ऐप के ऊपर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो दोस्तों डेवलपर मोड क्या होता है कि आपको अगर किसी ऐप में कोई नए फीचर आते हैं तो पहले भेजे जाते हैं टेस्ट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या करना है उनसे रब्ता करना है। जैसे ही आप रब्ता करेंगे दोस्तों वो आपको बता देंगे कि आपको क्यों ये शो हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप डेवलपर मोड नहीं हैं, यानी आपने कोई डेवलपर नहीं लिया हुआ, यानी ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने नीचे की तरफ स्क्रोल करना है, सिस्टम में आ जाना है। दोस्तों जैसे ही सिस्टम में आएंगे दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट्स मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ पे सिस्टम अपडेट कर लेना है, यानी अपने मोबाइल फोन का सिस्टम को अपडेट करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन के सिस्टम को अपडेट करेंगे हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर वर्जन जो हो वो अपडेट हो चुका हो और वो कंपेटेबल हो जाए किसी भी ऐप के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही अपडेट करेंगे चेक करना है दोबारा, अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा दोस्तों, सेटिंग्स में दोबारा जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे एप्स में आके सिर्फ आपने यहाँ पे ऐप लिस्ट में आके गूगल प्ले सर्विसेज को सर्च करना है, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम गूगल प्ले सर्विसेज की तरफ से है तो वो भी फिक्स हो जाए। परमिशंस में आके आपने दोस्तों अलाउ कर देनी है तमाम की तमाम परमिशंस। तो ऐसा होता है कि अगर आप वीपीएन के साथ कनेक्टेड हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर वीपीएन यूज करके आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो लोकेशन को ऑफ कर दें, वरना लोकेशन को आपने इसे एक्सेस दे देनी है। जैसे ही आप लोकेशन को एक्सेस देंगे स्टोरेज एंड कैश क्लियर करके फोर स्टॉप कर देना है ऐप को। उसके बाद दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर में आके यही स्टेप्स दोहराने हैं। जैसे ही आप ये स्टेप दोहराएंगे अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट करेंगे आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती दोस्तों तो दोस्तों इसका एक अल्टरनेटिव वे ये है कि आप अपनी डिवाइस ही चेंज कर लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 11 या 12 है तो आप एंड्रॉयड वर्जन 13 ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो आपके एंड्रॉयड वर्जन के ऊपर जो है काम नहीं करती, तो आपने जो है अपग्रेडेड वर्जन ले लेना है। तो ये था आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।